नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत करता हूं। दिल्ली से मुंबई नौकरी करने आई नेहा तनवर पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी ने एसिड फेंका था। ब्रेकिंग न्यूज, 24 वर्षीय नेहा तनवर, जिस पर 5 जून 2013 को दादर रेलवे स्टेशन पर एसिड अटैक हुआ था, उसकी आज शाम को मौत हो गई है। नेहा दिल्ली से अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने मुंबई आई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है। हमें आपको बताने में खुशी है कि आपको हमारे मुंबई हेडक्वार्टर्स में एज सीनियर अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है। होनहार लड़की थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं क्यों इन लोगों ने अभी तक मुझे अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। कसम से चाचा जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी, कुछ नहीं किया। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं, हमारी या हमारी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इतना वक्त ही कहा था उसके पास, उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में लगा था। बहुत मेहनती थी मेरी बेटी। महाराष्ट्र सरकार ने आपको 2 लाख का कंपेंसेशन ऑफर किया है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो इंसाफ चाहता हूँ मेरी बेटी के लिए। सरकार चाहे तो पैसा किसी ऐसी संस्था को दे जो एसिड विक्टिम्स के हित में काम करती है। मेरी बेटी का गुनहगार अब भी बाहर आजाद घूम रहा है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसे सजा मिले, बस। रौनक को अब तक पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है, हालांकि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है। मैंने पुलिस से कहा था रौनक ने वो एसिड अटैक नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया है, शायद पुलिस ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। मेरी बेटी का गुनहगार तो अब भी बाहर ही है। आपकी नजर में वो कौन हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है वो नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नेहा ने कभी हमसे उसकी शिकायत नहीं की, ना ही उसके बारे में कुछ कहा था। मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। मेरी बेटी नई नौकरी ज्वाइन करने जा रही थी,
अपना करियर बनाने जा रही थी। अटैक का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। रौनक न्यायिक हिरासत में था लेकिन उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। आखिर वो कौन था जिसने नेहा पर अटैक किया था? कौन उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था? रौनक के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। उसकी हमने हर डिटेल्स की इन्वेस्टिगेशन की है। जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन वो दिल्ली में ही था। केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन करो। जिन जिन पर शक है उन सबकी डिटेल चेक करो। हमें जल्द से जल्द उस अटैकर को अरेस्ट करना होगा। हेलो सच में सर, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर मुझे जरा भी इस बात का अंदाजा होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। क्या पंकज ऐसा कर सकता है? पता नहीं सर, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी पर मेरे मम्मी पापा ने हमें शादी की इजाज़त नहीं दी और मैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। पंकज बहुत अपसेट था, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की और फिर उससे मिलना छोड़ दिया। तब उसने नेहा से बात की। पूजा अपना डिसीजन ले चुकी है तो मैं भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेहा ने मुझे बताया था पंकज मिला था उससे एक बार। नेहा कुछ भी छिपाने वालों में से नहीं थी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी वो। और नेहा ने मुझसे कहा था कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। और सर मैं जानती हूँ कि पंकज उससे दोबारा नहीं मिला, अगर ऐसा होता तो नेहा मुझे उसके बारे में ज़रूर बता देती। दी बहुत फ्रैंक थी, अपफ्रंट थी, मुझसे हर बात शेयर करती थी, रौनक के बारे में, पंकज के बारे में। मुझे नहीं लगता सर कि उन्हें कोई परेशान कर रहा था, हम दोनों बिल्कुल फ्रेंड्स जैसे थे सर। वो मुझे सिखाती थी कि लाइफ में इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है। मनीष तुम्हारा पड़ोसी, वो हो सकता है? मनीष नहीं सर, वो तो हमसे बात तक नहीं करता था और दीदी से तो बिल्कुल भी नहीं। वो सबसे अलग ही रहता था, अपने आप में डूबा सा। हाँ उसके मम्मी डैडी हमारे घर आते थे रेगुलरली। एक्चुअली कल्पना आंटी और मेरी मम्मी अच्छे दोस्त हैं पर हमारी उसे कोई बातचीत नहीं थी। इनफैक्ट सर वो हमें देख के अपना रास्ता ही बदल देता था, विश तक नहीं करता था। मनीष की प्रॉब्लम क्या है? हमेशा ऐसे देख के पलट जाते हैं जैसे हमसे कोई प्रॉब्लम हो इसे। दीदी जाने दो, वो ना ऐसा ही है। एक्चुअली सबसे अलग अलग ही रहता है। उसे छोड़ो, आप मेरे नोट्स कब कंप्लीट कर रहे हो? कोई ऐसी बात जिसका उसे बुरा लगा हो? नहीं सर, वो हमसे बात ही नहीं करता था तो किसी बात का बुरा लगने का सवाल ही नहीं उठता। शायद कोई और ही होगा जिसे आप ढूंढ नहीं पा रहे। देखिए हम हर उस शख्स पर नजर रख रहे हैं जिसके पास ये अटैक करने का कोई मोटिव था। लेकिन सर आप शुरू से एक ही बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि मेरी बेटी का कोई दुश्मन था। फिर इस अटैक के पीछे और क्या वजह हो सकती है? सर ऐसे अटैक को हुए 5 महीने हो चुके हैं, मेरी बेटी को गुजरे हुए 4 महीने हो चुके हैं, फिर भी केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। गुनाहगार जो कोई भी है बाहर घूम रहा है आजाद, क्या एक खतरनाक नहीं है? सर दिन दहाड़े एक पब्लिक प्लेस पर उसने मेरी बेटी पर एसिड से अटैक किया, एक ऐसी पब्लिक प्लेस जहां पे हमारी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी पुलिस सब मौजूद थी, फिर भी वो भाग निकला। इतना ही नहीं वो अब तक पुलिस की पहुंच से भी बाहर है। सर मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस इस केस को ठीक तरह से सुलझाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट एक बार पुलिस द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट देखना चाहेगी, उसके बाद ही इस मामले में सही डिसीजन लिया जाएगा।
मिनिस्टर के परिवार, पड़ोसी और दोस्त, ये सभी लोग होम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। ये सभी लोग नेहा तनवर के लिए इंसाफ चाहते हैं, जो कि एसिड अटैक की शिकार हुई थी। अब तक गुनहगार पुलिस के हाथ नहीं आया है। नेहा के माता पिता की यही उम्मीद है कि होम मिनिस्टर सर उनसे मिलेंगे और उनकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग पर गौर करेंगे। सर, दो मिनट बात करनी है आपसे। सर, हमारी बेटी का कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है। सर, सर आप कुछ कीजिए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। ऐसा कोई आदमी नहीं बचा था जिस पर शक किया जा सके। नेहा के माता पिता केस की सही सुनवाई के लिए लड़ रहे थे। वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे और हर उस अधिकारी का भी जहां उनकी मांग को सुना जाए। आखिर हमले के 6 महीने बाद, नेहा तनवर की मौत के 5 महीने बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई। कोर्ट ने अब तक हुई सारी इन्वेस्टिगेशन पर गौर किया है और ये पाया है कि इन्वेस्टिगेशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ये कोर्ट इस मामले को स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपने का ऑर्डर देती। स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, एक बार फिर से शुरू से शुरू करते हैं। यस सर। सर, लड़की 4 जून 2013 को दिल्ली से मुंबई आने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से निकलती है। वो दादर स्टेशन सुबह 9:30 बजे पहुंचती है। लड़की ट्रेन से उतरती है, उसके साथ उसके पिता और मौसा मौसी। कोई इसके कंधे पर टैप करता है, वो पलटती है। कोई उसके चेहरे पर एसिड फेंक कर भाग जाता है और सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग के हिसाब से भागते हुए लड़के की सिर्फ 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। लड़के का चेहरा ढका हुआ है। एक कुली लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और लड़का भागने में कामयाब हो जाता है। नाउ द पॉइंट नंबर 1, क्या यह केस मिस्टेकन टारगेट का हो सकता है? लेकिन सर, उस लड़की के कंधे पर टैप किया था, मतलब कोई पहचान वाला ही होगा। पॉइंट, हो सकता है उसने किसी गलत लड़की के कंधे पर टैप किया हो। लड़की के मौसा ने उस लड़के को ट्रेन में एक बार देखा था, तब ट्रेन वलसाड़ स्टेशन पहुंची थी। इसका मतलब है लड़के ने हमले की प्लानिंग पहले से की थी और इसी प्लानिंग के तहत वो उसी ट्रेन में सफर कर रहा था जिस ट्रेन में वो सफर लड़की कर रही थी। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन तीनों में से किसी का भी मोटिव क्लियर नहीं। आई थिंक सर, उस दिन दिल्ली से उस बोगी में जितने लोग चढ़े थे, उन लोगों की लिस्ट हमें एक बार फिर से चेक करनी चाहिए। और उस लड़की के एज ग्रुप की और कितनी लड़कियां थी वो भी पता। सर, सर, कोच नंबर S4, 22 से 26 साल की 3 लड़कियां और थी उसमें। मेगा बोरकर, उम्र 25 साल, बर्थ नंबर 14। श्रेया पटेल, उम्र 24 साल, बर्थ नंबर 33। रचना अलूवालिया, उम्र 23 साल, बर्थ नंबर 58। हाँ, मैंने स्टेशन पर हुए उस हादसे के बारे में सुना था, पर मैंने देखा कुछ भी नहीं था। देखिए, डरिए मत, हम ये नहीं कह रहे कि टारगेट आप थी। हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी तलाश रहे, क्योंकि हो सकता है वो लड़का किसी और लड़की पर एसिड डालना चाहता और गलती से उसका टारगेट नेहा बन गई। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपसे नाराज हो, अपसेट हो? प्यार व्यार में किसी का कभी दिल टूटा? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरी एंगेजमेंट हो गई है और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी से मेरी शादी भी होने वाली है। ऐसा कोई भी नहीं है सर। नहीं सर, मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। आपके पास्ट में कोई ऐसा हो
जो आपसे नाराज हो, अपसेट हो, इतना अपसेट कि आप पर एसिड से अटैक करना चाहता हो। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। तो मिस्टेकन टारगेट वाली थ्योरी को रूल आउट करते हैं। मुझे उस दिन ट्रेन की रिजर्वेशन की पूरी लिस्ट चाहिए। सर। अगर वो लड़का अटैक करने के इरादे से ट्रेन में चढ़ा था तो उसने कहीं ना कहीं से तो रिजर्वेशन करवाई होगी, कहीं ना कहीं से तो बुकिंग की होगी। सर, उस दिन ट्रेन के अंदर 23 से लेकर 27 साल की उम्र के 47 लोग थे। उसकी टारगेट थी नेहा तनवर, इसलिए वो उसी बोगी में ट्रैवल कर रहा था जिस बोगी में नेहा थी। नेहा के अंकल ने उसे उस बोगी में देखा था। सॉरी। उसने नेहा के कंधे पर टैप किया और जैसे ही नेहा पलटी उसके चेहरे पर एसिड डालकर भाग गया। नेहा को 15 जून 2013 को ज्वाइन करना था, लेकिन वो लोग लगभग 2 हफ्ते पहले आ गए थे। वो लोग पहली बार मुंबई आए थे सर। इसने तो टिकट बुक किया होगा। इसका मतलब है कि अटैकर को मालूम था कि नेहा किस तारीख को ट्रैवल करने वाली है। रिजर्वेशंस मैंने ही करवाए थे, सोचा था कुछ दिन पहले जाते हैं ताकि नेहा मुंबई में सेटल हो जाए, थोड़ा बहुत मुंबई देख भी ले। हम में से कोई भी पहले कभी मुंबई गया नहीं था। आपकी फैमिली के अलावा आपके इस ट्रैवल प्लान के बारे में किसी और को पता था? मेरी छोटी बहन और उसके पति, वो लोग भी उनके साथ मुंबई गए थे। उनके अलावा और कोई? कॉलोनी में सभी लोग जानते थे। वो तीन लोग जिन पर पुलिस को शक था, पंकज सैमुल, रौनक खत्री और मनीष सिंह, क्या आपको लगता है कि इन तीनों में से किसी को आपके ट्रैवल प्लान के बारे में पता हो सकता था? पंकज सैमुल, रौनक खत्री, मेरे ख्याल से पुलिस इन दोनों की अच्छी तरह से पूछताछ कर चुकी है। वो नेहा के संपर्क में नहीं थे। पुलिस ने बताया भी था कि उन्होंने नेहा के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। और मनीष हमारा पड़ोसी है, उसकी माँ और मैं अच्छे दोस्त हैं। उन्हें पता था? उनसे हमारे घर की कोई बात छुपी नहीं रहती है। सभी लोग बहुत खुश हैं। होंगे ही, ऐसी बेटी पर किसको फक्र नहीं होगा। हाँ, पर एक बात की चिंता भी है, मुंबई में अकेली कैसे रहेगी, इसी बात को सोचकर डर लगता है। अभी तो फिर भी उसके पापा और मासा मासी साथ जा रहे हैं, पर बाद में सब ठीक ही होगा। वैसे कब जा रहे हैं वो लोग? 4 जून को। मनीष का परिवार सारे तीज त्योहार हमारे साथ ही मनाता है, और नेहा अपनी जॉब की खुशखबरी देने खुद उनके घर गई थी। हाय, आंटी घर पे है क्या? सर, मुझे नहीं लगता मनीष ऐसा कुछ कर सकता है। आपको किसी और पर शक? सर, ऐसा कोई है ही नहीं जो नेहा के साथ ऐसा कुछ करना चाहेगा। सर, पंकज सैमुअल, रौनक खत्री और मनीष, इन तीनों को पूरी तरह से इंटरोगेट किया गया था, लेकिन कहीं कुछ भी सॉलिड हाथ नहीं लगा है। पंकज उस वक्त लखनऊ में था, रौनक दिल्ली में। मनीष के माँ बाप का कहना है कि वो किसी इंटरव्यू के लिए कोलकाता गया हुआ था। इस बात को कंफर्म किया गया था? जी हाँ सर, पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके ऑफिस के सीनियर ने बताया था कि वो उस दिन लखनऊ में ही था। रौनक भी उस दिन दिल्ली में ही था, इस बात को भी कंफर्म किया गया था। पुलिस ने मनीष के माँ बाप से बात करने के बाद मनीष से भी पूछताछ की थी। मुझे नेहा की बहन प्रिया की स्टेटमेंट दोबारा देखना, फाइल लेकर आओ। सर, प्रिया ने मनीष के बारे में कुछ तो कहा था। सर, प्रिया ने कहा था कि मनीष हमेशा वो सबसे अलग ही रहता था, अपने आप में डूबा सा। इनफैक्ट सर, वो हमें देख के अपना रास्ता ही बदल देता था। वैसे इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है,
लेकिन फिर भी मनीष जवान है, सेम एज ग्रुप का है, फिर भी इस तरह का बिहेवियर, आई थिंक हिज बिहेवियर वॉज नॉर्मल, या मनीष का कोई प्रॉब्लम है? आपका मतलब वो नेहा को पसंद करता था लेकिन इस बात को नेहा से कभी कह नहीं पाया? जी वो कोलकाता गया था इंटरव्यू के लिए, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेहा और प्रिया से उसकी जरा भी दोस्ती नहीं थी? जी नहीं, दोस्ती होती तो अच्छा होता। नेहा बहुत ही होशियार लड़की थी। कोलकाता में इंटरव्यू के लिए कहाँ गया था वो? जी पता नहीं, आईटी का कोर्स पूरा करके उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। 2 जून को कोलकाता गया था वो। कहाँ जा रहा मनीष? कोलकाता, कुछ इंटरव्यूज हैं। भगवान करे इस बार तुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। नेहा को देख, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया है उसने, ज्वाइन भी करने वाली है। पता है उसे कितनी सैलरी मिलने वाली है? वो सुबह ही चला गया था, कह रहा था कोलकाता के लिए कोई ट्रेन है उसकी। नेहा 4 तारीख को मुंबई के लिए निकलने वाली थी, ये बात आपको पता थी? जी हाँ, क्यों नहीं, सभी को पता था। फिलहाल आपका बेटा बेंगलोर में है ना? जी हाँ, वहाँ नौकरी कर रहा है। थैंक यू। मनीष उस वक्त कोलकाता में था, इस बात की क्रॉस चेकिंग हुई थी? नहीं सर, उस बात की क्रॉस चेकिंग नहीं हुई है। मुझे उस लड़के से दोबारा मिलना है। ये लड़का मनीष ही है ना? जी हाँ सर, केस पेपर्स में इसी की फोटो है। कहाँ? गेस्ट हाउस, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं इस बार मम्मी पापा को बिना बताए आया हूँ, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। तुम इंटरव्यू के लिए कोलकाता गए थे ना? जी। जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए थे उसका नाम क्या था? 3-4 कंपनीज थी, मैंने बायोडाटा भेजा था। फिर भी कंपनी का नाम तो होगा ना? तुम बेंगलोर में जॉब करते हो? जी हाँ। जिस वक्त नेहा के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त तुम इंटरव्यू के लिए कोलकाता में थे, राइट? हाँ, मम्मी ने बताया था नेहा के बारे में। 4 और 5 जून को हमारे यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हुए थे। मैं एचआर टीम से हूँ, मुझे नहीं पता होगा इंटरव्यू के बारे में। नहीं तो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। दिल्ली से मनीष सिंह, ऐसे कोई कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ ही नहीं। तुम राइट हैंडेड हो? दाहिने हाथ से लिखते हो? हाँ। जब बॉल फेंकते हो तो दाएं से फेंकते हो या बाएं से? जी, मेरा मतलब है अगर कोई चीज फेंकनी होती है तो उस वक्त राइट हैंड यूज करते हो या लेफ्ट हैंड? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट या राइट? कैन आई सी योर राइट हैंड? अपना दाहिना दिखाओगे प्लीज? जी। ये निशान कैसे? चोट लगी? हाँ। कहाँ? वो कॉलोनी में, वो तार की फेंसिंग है ना, उससे हाथ घिसट गया था। ओ, मुझे लगा जलने के निशान है, एसिड से जलने का निशान। Thank you.
यही वो लड़का है सर, इसी को देखा था मैंने ट्रेन में। पुलिस ने मुझे बताया कि वो आपका पड़ोसी है, मैंने पहले कभी उसे देखा नहीं। वो ट्रेन में वही लड़का था, उसके पास एक बॉटल भी थी। पर मनीष की दीदी से क्या दुश्मनी थी? वो तो हमसे बात तक नहीं करता था। मनीष, मनीष ने ऐसा किया? नेहा पर एसिड तुमने फेंका था ना? छाड़ आके गया अभी। अच्छा, चार घंटे में हम दादर पहुंच जाएंगे। अच्छा भाई, नेहा को मत जगा, बड़ी मुश्किल से तो सोई है ये। मुंबई आकर जॉब करने को लेकर बहुत खुश है बच्ची। Thank you.
मुझे पता था नेहा उसी ट्रेन से जा रही थी। मैं 3 तारीख को दिन भर दिल्ली में ही था। घर पे बोल दिया था कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने भी वो ट्रेन पकड़ ली जिससे नेहा जा रही थी। अब ये बताओ, एसिड फेंकने के बाद तुम वहाँ से भागे कैसे और भाग कर कहाँ गए? मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गया और एक ट्रेन में चढ़ गया। वो ट्रेन दिल्ली जा रही थी। मैं वापस लौटा। शुरुआत से ही वो शक के घेरे में था। शायद उसके कोलकाता में इंटरव्यू देने की बात की पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी, पर अब वो पुलिस की पकड़ में आ चुका था। मनीष, मैं देख रहा हूं तुम बहुत डिस्टर्ब हो, उस वक्त भी रहे होगे। आखिर तुम्हें नेहा पर इतना गुस्सा क्यों था? नेहा के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? मनीष, पता है नेहा के कितने परसेंटेज आए? 1 नंबर लेकर आती है, और एक तू है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? कभी तो अच्छे नंबर लेकर आ, हम भी शान से कह सके कि हमारे बेटे ने कुछ नाम कमाया। लेकिन नहीं, मैं तुझसे बात कर रही हूं, कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? देखा नेहा को, कोर्स पूरा होते ही इंटर्नशिप मिल गया, और एक तू है, इतने सारे कोर्स किए हैं लेकिन एक ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है तुझे। कोई तो अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले बेटा, कुछ तो कर जिंदगी में। 25,000 आंटी घर पे है क्या? वो मैं गुड न्यूज देने आई थी। सुना तूने? नेहा 15 जून को ज्वाइन करने वाली है। पूरे 50,000 सैलरी है उसकी। पता नहीं कॉलोनी में मिठाई बांटने का मौका कभी मुझे मिलेगा भी कि नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था मेरे और नेहा के कंपैरिजन से। क्यों मैं नेहा जितना अच्छा नहीं हूं? थक चुका था ऐसे तानों से, तंग आ चुका था। तंग आकर, थक कर, फ्रस्ट्रेट होकर तुमने क्या किया? तुमने घिनौना काम किया, सबसे घिनौना काम। ऐसा किया मनीष ने? पर दीदी की गलती क्या थी? वो तो कभी उससे बात तक नहीं करती थी, और उन्हें कैसे पता चलता कि कल्पना आंटी मनीष को दीदी से कंपेयर करती है, उसे बातें सुनाती है? मनीष फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश के लिए, 326A के तहत किसी पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी करने के लिए, और 336B के तहत
किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकने के लिए बुक किया गया है। आखिरी सांस तक नेहा लिख लिख कर सबसे यही सवाल कर रही थी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बेंचमार्क, मापदंड किसी की तरक्की को नापने के पैमाने। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर इंसान अपने बेंचमार्क तय करता है। ये अंदर की आवाज होती है जो नेहा ने सुनी थी। उसे पता था कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना है। एक लड़की जिसे अपनी क्षमता पर विश्वास था, जो अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। उसका परिवार ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पड़ोस में ही कोई ऐसा था जो नेहा की तरक्की से इतना नाखुश था। और उसकी नाराजगी के लिए ना तो नेहा जिम्मेदार थी और ना ही नेहा का परिवार। ये बेंचमार्क होता क्या है? जब ये बेंचमार्क किसी के लिए कंपैरिजन और तानों का मापदंड बन जाता है और ये तुलनाएं करते करते हम भूल जाते हैं कि हम किसी को इतना निराश कर देते हैं कि वो अपनी निराशा में कोई गलत कदम उठा लेता है। मनीष की माँ पूरी तरह से टूट चुकी है, उसे अपने किए पर पछतावा है। नेहा के पिता और उसका भाई अब नेहा की बहन प्रिया को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। एक्टिविस्ट और सामाजिक संस्थाएं लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रही हैं कि एसिड अटैक के केसेस में सरकार बेहतर हर्जाना दे, और ये भी कि पीड़ित के रिहैबिलिटेशन के लिए अच्छे इंतजाम करें और एसिड की बिक्री पर अंकुश लगाएं। दिल्ली रेप केस के बाद नियुक्त की गई वर्मा कमीशन ने एसिड अटैक के बारे में गंभीर रूप से गौर किया और हमलावर के लिए सख्त से सख्त सजा के सुझाव भी दिए। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत ओपन मार्केट में एसिड यानी तेजाब बेचने पर रोक लगा दी गई। माननीय जजेस ने कहा कि एसिड खरीदने वाले को अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड एसिड बेचने वाले को देना होगा और एसिड बेचने वाले को खरीदने वाले का नाम और एड्रेस रजिस्टर करना होगा। पर क्या ऐसा हो रहा है? एसिड अटैक विक्टिम के लिए बेहतर रिहैबिलिटेशन और कॉम्पेंसेशन के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमलावर के लिए सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए। ऐसे केसेस के साथ बेहद सख्ती से निपटा जाए और सजा ऐसी हो कि जुर्म पर प्रतिबंध लगे। ना सिर्फ उन गुनहगारों को सजा हो जो ऐसा हमला करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी सजा हो जो गैर जिम्मेदारी से एसिड बेचते हैं और जिनकी लापरवाही से ऐसी बीमार मानसिकता के लोग घिनौने जुर्म करते हैं। बृहन मुंबई पुलिस ने महिलाओं के लिए एक कैंपेन शुरू किया है, ट्रैवल सेफ व्हेन अलोन। अगर कोई महिला देर रात पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो वो अपनी लोकेशन, डेस्टिनेशन और जिस व्हीकल से वो ट्रैवल कर रही है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एक SMS द्वारा टोल फ्री नंबर 9969777888 पर भेज सकती है। नंबर याद रखें, 9969777888। SMS भेजने वाली महिला को तुरंत ही बृहन मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन कॉल आ जाएगा और साथ ही सेंडर की सेल टॉवर लोकेशन की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम के सेंट्रल सर्वर पर भी सेव हो जाएगी। RTO ऑफिसेज को भी सूचित किया गया है कि वो सभी टैक्सीज और ऑटो रिक्शास को ये निर्देश दें कि वो अपने डैशबोर्ड पर इस टोल फ्री नंबर को डिस्प्ले करें। एस्तर अनुया मर्डर केस के परिणाम स्वरूप ये हेल्पलाइन शुरू की गई है। शहर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बृहन मुंबई पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम की क्राइम पेट्रोल सराहना करता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने बेंचमार्क्स तय करें, किसी से उसकी तुलना ना करें। जय हिंद।